eating them. Excuse me? What is up everyone? This is Manish Singh and welcome back to my another vlog. Today, we are going to do some work. एक काम तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन दूसरा काम थोड़ा सा डाइसी है कि मैं शायद नहीं बता पाऊँगा। पहला काम जो है वो है जो आपको पता ही होगा, आईफोन 7 से 10 तक जो उन्होंने अजीब सी डोंगल से बना दी ना, इतना सा ईयरफोन्स के वहाँ जो लगता है चार्जिंग, और ईयरफोन्स का एक ही प्लग है। अब वो मेरे लैपटॉप में नहीं लगता, मैं एप्पल वालों को इतना दिमाग नहीं कि अगर तुम एक नोजल इतनी सी बना रहे हो, बड़ी बना रहे हो, तो दूसरी भी 3.5 mm बना दो, है ना। या तो मैकबुक की या उसकी कुछ डाइसी सा कर लो, इधर का उधर कर लो, इधर का उधर का वाइस वर्सा सा कर दो कुछ कर, लेकिन नहीं, मैकबुक में अलग 3.5 mm लगता है और जो वो दूसरा है फ़ोन है उसमें तुम नोजल वो लगाते हो, लाइटनिंग केबल जिसको कहते हैं। ठीक है, रिपीट। अब मेरे को प्रॉब्लम ये हो रही है कि 2 साल से तो मैं सैमसंग की यूज़ कर रहा था, बहुत अच्छे यूज़ हो रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था वो 2 साल तक, लेकिन अब उसका एक ईयरफोन साइड का लेफ्ट या राइट साइड किसी का वो ख़राब हो गया, वो चलना बंद हो गया। अब मेरे को नया लेना है, तो मैं सोच रहा हूँ जो मेरे आईफोन 7 के पड़े हैं, जो 2 साल से ऑलरेडी पड़े हुए हैं, क्यों ना मैं उनको यूज़ करूँ। तो मेरे को वो लाइटिंग केबल सर्च करनी है जो मेरे मैकबुक में भी लग जाए, या तो लाइटनिंग टू 3.5 mm, ताकि मैं ईयरफोन्स में वो लाइटनिंग के यूज़ करके नोजल सा और 3.5 mm मैकबुक में लगा लूँ, जैसे इनबिल्ट बॉक्स में आती है उनके, जैसे उनके ओरिजिनल बॉक्स में आती है 3.5 mm की इतनी सी वायर, वो मिल जाए तो बेटर होगा मेरे लिए। आइडिया नहीं कि चंडीगढ़ में कहाँ मिलेगी, क्योंकि कल मैं एक शॉप पे पता करने गया था, वहाँ पे उन्होंने मेरे को ईयरफोन्स लेने के लिए सजेस्ट किया, जबकि मेरे को ईयरफोन्स अभी लेने ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 साल से मेरे ईयरफोन्स पड़े हुए हैं वो एप्पल के, तो मैं क्यों न्यू बाय करूँ जाके, मेक सेंस आई गेस। आई एम थिंकिंग कि वो नोजल अगर मिलता तो इजी, अच्छा ठीक बात है, यूज़ कर सकता हूँ, नहीं मिलता नहीं नहीं क्या तो आई विल डू द अनदर थिंग कि ईयरफोन ही ले लूँगा मैं 3.5 mm वाले। तो मुझे नहीं पता चंडीगढ़ में कहाँ मिल सकता है वो, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि कहाँ मिलेगा और कहाँ सस्ता मिलना चाहिए, ज़्यादा महंगा ना हो, 1000+ ना हो, 1000 से कम हो तो मैं ले सकता हूँ। दूसरी चीज़ है जिसके लिए मैं हम जा रहे हैं जो वो मैं बताऊंगा नहीं आपको, ये मजाक है क्या, वो कुछ सरप्राइज आएगा शायद 2-4 ब्लॉग्स में भी नहीं पता लगेगा, ये मजाक है क्या, शायद वो काफ़ी ब्लॉग्स के बाद पता लगेगा कि मैं क्यों आज जा रहा था, क्योंकि उसका थोड़ा डाइसी है। आई एम नॉट श्योर कि वो आज चीज़ पॉसिबल हो जाएगी या कल होगी या परसों होगी, मुझे नहीं पता, ले जाए देखने जा रहे हैं कि अगर वो पॉसिबल हो गया तो। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज बताना, तब मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, बाय। ये लड़कियां बहुत ही ढीली हैं, बहुत ही स्लो चल रही है, मैं कब से इनको बोल रहा हूँ चलो तेज चलो चले चलो तेज चलो, बहुत तेज चल रही, देखो देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। एंड वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लोकेशन, तो नेक्स्ट लोकेशन पता नहीं कैसे नहीं रहे, बहुत ही तेज हो गए हैं। ओके बाय। तो ये हुआ हमारे साथ रास्ते में, हम अपने काम से काम करवाने गए हुए थे एक जगह पे, और मैं जब पार्क की गाड़ी तो मेरे को लग ही रहा था कि थोड़ी सी हवा कम है उसमें, तो जब रास्ते में आए तो एक बंदे ने बोल भी दिया कि आपके हवा कम है, गाड़ी की हवा कम है, तो हमने चेक करवाने आए हम यहाँ पे 27 सेक्टर में। और जो मेरे को ईयरफोन्स का मैंने किया था वो भी मैंने पता किया शॉप से, वो कह रहे कल आ जाएगा, तो मैं कल यहाँ से पिक करूँगा। और अब हमने कुछ खाने पीने के लिए लेना है, बहुत भूख लगी है, सुबह से घूम ही जा रहे हैं हम, सुबह से तो नहीं आएगा, दोपहर से घूम ही जा रहे हैं हम, भूख लगी है, तो अब कुछ हम खाने को पिक करेंगे, शायद मोमोज या चाट पापड़ी टाइप चीज़ें, और फिर घर जाएंगे, डॉगों को वॉक भी करवानी है। गाड़ी ठीक हो गई है, पंचर था, एक ही पंचर था,
पहले कभी पंचर लगा होगा उस पे, उसने एक ही पंचर था। 23 के नॉनवेज वाले अच्छे होते हैं, पर हम यहाँ के नॉनवेज खा रहे हैं। ये 7 सेक्टर में सुपरमार्केट बांसल सुपरमार्केट के सामने बैठते हैं भैया, बहुत अच्छे वहाँ। ऐसे गुंडा क्यों बना, ऐसे कॉलर ऊपर उठाने तूने की है मेरे, देखो ऐसे गलत काम करती है मेरे साथ और फिर बदनाम करती है मुझे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ऐसी लड़के को कहीं जगह नहीं मिलेगी, कहीं एडमिशन मत देना इसको। शक्ल देख ले इसकी, शक्ल दिखाओ अपनी। हाँ यार ने वो किचन के लिए वो लेना था तो एक पेंचर था और उसमें वो पेंचर लग गया, तो अभी हम मोमोज स्प्रिंग रोल पैक करवा रहे हैं और कुछ घर का सामान भी लेना है। प्लास्टिक वाला रैक लेना था, किचन का प्लास्टिक रैप भी लेना, कुछ किचन का प्लास्टिक का रैक भी लेना है। तो जैसे आपने देखा था कि मोमोज और स्प्रिंग रोल तो हम ऑर्डर कर रहे थे उस टाइम, घर आए तो गोल गप्पे के पैकेट्स पड़े थे हमारे पास, जो बॉक्स आता है मुझे पता नहीं कौन सी कंपनी का, लेकिन बड़ा बॉक्स होता है 150 रुपीज़ के अराउंड कुछ होता है वो, और 30 गोल गप्पे होते हैं उसमें। तो हम वो लेके आए हुए थे पहले जब वो ग्रॉसरी शॉपिंग पे गए थे फैमिली के साथ, राइट, तो तब लिया था और नेहा को बहुत पसंद है गोलगप्पे, तो इसीलिए उसने फिर वो बनाए, तो हमने वो खाए, मोमोज खाए, स्प्रिंग रोल खाए, तो काफ़ी हैवी हो गया था। अब मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं शूट वगैरह पे जा रहा हूँ कहीं मैं, तो मुझे वहाँ टाइम नहीं मिलेगा। अब आज पूरा दिन बहुत हैक्टिक था, एक्चुअली पूरा दिन बहुत हैक्टिक था, और कुछ एडिशनल काम थे वो कंप्लीट किए, वो ईयरफोन की जो मैं सॉकेट कह रहा था वो भी मिल गया, वो कल शॉप पे जाके मिलेगा, कल आएगा एक्चुअली, उसने उन्होंने मंगवाए हैं तो वो कल उनको मिलेंगे, तो कल मैं शाम को जाऊंगा वहाँ पे लेने। आज के लिए मैं व्लॉग को एंड करता हूँ, आपको पता ही अब क्या करना है, सब्सक्राइब करना नए हो तो, लाइक करना पसंद आई हो तो, डिसलाइक मत करना, कमेंट सेक्शन पे बताना कैसा लगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में रिलेटिव्स में व्लॉग को शेयर करना। थैंक यू सो मच। ये कहाँ